क्या मामला है पूरा बताएंगे। देखिए हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि जो पब्लिक हेल्थ का सब्जेक्ट है ये स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून इस पर नहीं बनाती और जो स्टेट्स हैं हिंदुस्तान की किसी स्टेट ने भी कानून नहीं बनाया। उसका मतलब ये हुआ कि आप इस अधिकार को एक कानूनी तौर पर जो है वो आप नहीं मान सकते। अब सवाल ये है कि अगर अधिकार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए। डिग्निफाइड लाइफ कैसे होगी जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, और अगर आप बीमार हो गए और आपके पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए तो अब तो सरकारी अस्पताल क्या प्राइवेट अस्पताल में इलाज ही नहीं करा सकते। तो क्या चीज़ ज़रूरी है, ज़रूरी चीज़ ये है कि एक हक के रूप में स्वास्थ्य का जो राइट है वो एक हक के रूप में लोगों को मिलना चाहिए और उसके लिए सरकार को ये करने की ज़रूरत है कि वो ये जो सब्जेक्ट है पब्लिक हेल्थ का इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाए जिससे कि पार्लियामेंट के पास भी पावर हो इसमें कानून बनाने की। दूसरा ये कि इसको फंडामेंटल राइट बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो ये जो आप देख रहे हैं कि आयुष्मान की स्कीम है, फलानी स्कीम है, नानी स्कीम है, इनका कोई भी औचित्य नहीं है और ये कोई काम नहीं करती है, सब फ्रॉड है। हमें एक अधिकार के रूप में चाहिए। और तीसरा ये कि उसके बाद फंडामेंटल राइट बनने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको एक तरीके से एक नेशनल लॉ लाए। नेशनल लॉ क्यों ज़रूरी है, अगर आप देखते हैं तो दिल्ली के अंदर 40-45% लोग जो पेशेंट आते हैं वो दिल्ली के आसपास से आते हैं, बिहार से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, यूपी से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। तो अब वो क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं है और कोई भी व्यक्ति कानून में जाकर जो है उनसे ये चीज़ें ऐसे हक के तौर पर नहीं मांग सकता। तो अगर पार्लियामेंट एक नेशनल लॉ बनाती है तो सब और उसमें ये कहती है कि 3 साल के अंदर हर एक राज्य को हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर एक तालुका लेवल पे इतना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना इतना फैकल्टी करना पड़ेगा तो लोगों को इधर से उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो हम ये मांग कर रहे हैं, हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी आज सुबह चिट्ठी लिखी है और उसमें हमने यही मांग की है, 3 मांगें करी हैं कि एक तो पब्लिक हेल्थ के सब्जेक्ट को विषय को कॉन्करेंट लिस्ट में लाया जाए, दूसरा हमने कहा है कि इसको फंडामेंटल राइट बनाया जाए और तीसरा हमने कहा है कि फंडामेंटल राइट बनाने के बाद जिस तरीके से राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक नेशनल लॉ बनाया है इसी तरीके का नेशनल लॉ बनाया है। फोटोग्राफर पहले बन जाते हैं बहुत बढ़िया। अभी तो इसको आंदोलन आज शुरू किया है हमने, उसको आंदोलन पूरे देश में बनाएंगे, लोगों को जगाएंगे, लोग इसके ऊपर डिमांड करेंगे और सरकार के ऊपर जो है दबाव बनाएंगे कि वो सब चीज़ें करें। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि भारत सरकार ने 2015 में जो ड्राफ्ट बनाया था नेशनल पॉलिसी का उसमें ये वायदा किया था, लिखा था कि हम ये सब चीज़ें करेंगे, कानून बनाएंगे, फंडामेंटल राइट बनाएंगे, लेकिन जब 2017 में उन्होंने फाइनल अपना पॉलिसी बनाया तो ये हटा दिया वहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि सरकार की मंशा नहीं है लोगों को ऐसे हक राइट टू पब्लिक हेल्थ देने का। और उसका नतीजा क्या होता है कि जब आदमी बीमार हो जाता है और खर्चा नहीं कर पाता तो वो CM या PM के दफ्तरों में घूमता रहता है और वहाँ भी उसको कोई सांस रिलीफ नहीं मिलता। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस देश के अंदर, जो पूरे देश के लिए एक शर्म की बात है, बिना इलाज के लोग बहुत लोग मर जाते हैं। तो आज हम यही आवाज़ को उठाने यहाँ पे आए हैं और हम ये लड़ाई जो है लगातार रखेंगे।